आज बरोस पीर तकरीबन रात में 4:30 के करीब में पप्पू भाई के कारखाने में एक लड़के को करंट लग गया। करंट लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। ये कारखाना 30 लूम का था और इनके कारखाने में ये उसके लड़के के वालिद साहब है, ये उसका भाई है और इसका छोटा भाई जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी। ये तीनों बाप बेटे इनके कारखाने में चलाते थे। अब ये रात में घर चले गए थे, वालिद साहब भी घर चले गए थे, ये दोनों भाई कारखाने में 30 लूम चला रहे थे। ये छोटा बड़ा भाई जो था ये चाय लाने के लिए गया, छोटे भाई को लूम पे हाथ रखने की वजह से या किसी वजह से करंट उतर गया था लूम में और लूम में करंट उतरने की वजह से उसकी मौत हो गई जगह पे, मतलब उसका इंतकाल हो गया। जब ये चाय लेके वहाँ पे पहुँचा तो लड़का वहाँ पे इंतकाल कर चुका था, वो गिर चुका था नीचे। ये जब उसको पकड़ा तो इसको भी करंट का झटका लगा, ये जैसे वैसे अपने आप को छुड़ाया। छुड़ाने के बाद सेठ को फ़ोन किया, सेठ ने कहा कि यार तुम फारान हॉस्पिटल लेके आ जाओ। फारान हॉस्पिटल में जिस वक्त उसको लाया गया तो जगह पे डॉक्टरों ने कहा कि इसका इंतकाल हो चुका था। बच्चे का नाम है मोहम्मद हसनैन, उम्र तकरीबन उसकी 17 साल है और रहने वाला नई बस्ती गए। नई बस्ती के सभी जिम्मेदारान यहाँ पर मौजूद है, सब आए हुए हैं। जो भी है यहाँ पे कानूनन अभी इन्होंने हमारे पावरवाड़ी से API साहब आए हैं और उनके साथ उनके कांस्टेबल वगैरह पंचनामा वगैरह कर रहे हैं। कानूनी जो भी मामला थे वो होने के बाद इनके घर वालों के ताबे में अभी डेड बॉडी निकाल कर हम लोग दे देते हैं। सिर्फ हम लोगों की बात आप लोगों को ये पहुंचानी है कि कारखानों में जिस तरीके से करंट वगैरह लगने के हादसात के मामलात बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन, तो कुछ ना कुछ हम लोग फायर सेफ्टी का इंतज़ाम करें या फिर वायरमैन रख के हर हफ्ते में एक मरतबा कम से कम लूम पे चेक करवा लें कहीं से वायर तो नहीं कटी है या कोई लूम में करंट तो नहीं उतरा है, क्योंकि ये सब करने से कम किसी की जान तो नहीं जाएगी, किसी की जान बच जाएगी। तो यही मैसेज आप लोगों के लिए हमारा रहता है। शुक्रिया।